हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का आज थोड़ा सा संक्षिप्त में अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम की कमी है। 1 घंटे में हम लोगों को पूरा चैप्टर कवर करना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें वह सब सभी कवर करें। और बाद में आप लोग ये जो आप लोग आज सुन रहे हो, इसके बेसिस पे आपको जो भी समझना है आप स्वयं अध्ययन करना चालू कर सकते हैं, यानी रीडिंग करना चालू कर सकते हैं, तो आपको इससे काफी लाभ होगा। आपको एक ब्रॉड रिव्यू हम दे सकते हैं कि यानी, क्योंकि 1 घंटे में एक पूरा चैप्टर करना है इस इम्पॉसिबल। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यानी भगवान अनलिमिटेड है, तो उस अनलिमिटेड को लिमिटेड समय में समझना इज वेरी डिफिकल्ट, यानी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग आज आज का जो वो सत्र है उसको चालू करने से पहले हम लोग 5 मिनट के लिए रिवीजन करेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक 3 दिन में। आज आप लोगों का चौथा चैप्टर है, तो आप लोग कंटिन्यूअसली 3 दिन से सुन रहे हो भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में और वह अर्जुन के बारे में। तो भगवान ने इसमें क्या कहा, कैसे कहा, तो हम लोग उसका एक 5 मिनट संक्षिप्त में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोगों ने अध्याय 1 में देखा कि अर्जुन को डाउट्स थे, यानी अर्जुन संशय में था कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, क्या करूं कैसे करूं, और उसका गांडीव गिर जा रहा था, वो एकदम संशय में था कि मैं क्या करूं। फिर दूसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा कि गीता के सार में भगवान बताते हैं हम लोगों को कर्म योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, और डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं उसमें। फिर भक्ति योग के बारे में भी बताते हैं, पूरा गीता का सार आ जाता है, और उसमें भगवान अर्जुन के जो डाउट्स हैं एक एक पूरे, यानी चारों डाउट को, पांचों डाउट को वो पूरा उसको पूरा यानी निकालने की कोशिश करते हैं। फिर उससे आगे बढ़कर भगवान उसके जो अर्जुन के और डाउट्स रहते हैं, फिर भगवान तीसरे उसमें आते हैं, जब हम लोग तीसरे चैप्टर में, तब भगवान अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताते हैं जो आप लोगों ने कल पढ़ा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक 5 मिनट का फटाफट रिवीजन करेंगे। किसी का भी कोई भी डाउट रहा तो हम सेशन के एंड में सब क्वेश्चन एंड आंसर एक साथ करेंगे, क्योंकि बीच में करने से हम लोग क्या है डिविएट हो जाते हैं, फिर उसी टॉपिक पर हम लोगों का डिस्कशन चालू हो जाता है। तो हम लोगों ने तीसरे चैप्टर में देखा जब अर्जुन पूछता है कि यानी जब उसको ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में मालूम चलता है तो अर्जुन को डाउट्स आते हैं कि यानी मैं क्या करूं, मैं संन्यास लूं या कर्म करूं, क्या बेहतर है, भगवान को पूछता है वो। तो फिर भगवान बताते हैं, क्योंकि अर्जुन के दिमाग में एक होता है कि यानी अगर ज्ञान योग यानी एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाकर संन्यास ले लेना, और भगवान ये भी बताते हैं कि अपना कर्म करो तुम क्षत्रिय हो, तो वो कंफ्यूजन में आ जाता है कि मैं संन्यास लूं या कर्म करूं, क्या बेहतर है। फिर वो भगवान को सरेंडर करता है और भगवान को अपना गुरु मानता है, और वो उसकी पोजीशन तब वो सखा से शिष्य हो जाती है। तब भगवान उसको अलग अलग नॉलेज देने का प्रयत्न करते हैं और बोलते हैं उसको अलग अलग हर विषय के बारे में उसको समझाते हैं। फिर हम लोग 3rd चैप्टर में ये भी देखे थे कि योग सीढ़ी के क्रम क्या होते हैं। जैसे कर्म कांड से हम लोग कर्म योग में गए थे, कर्म योग से ज्ञान योग में गए थे, और उसके बाद भक्ति योग में आए थे। जैसे कर्म कांड क्या होता है, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, नास्तिक से आस्तिक बनते हैं हम कर्म कांड में। नास्तिक जो बिल्कुल शास्त्रों को ही नहीं मानता, कर्म कांड में क्या होता है, नास्तिक से आस्तिक बनते हैं। आस्तिक में क्या होता है, पहले हम लोग हमारे कर्म करते हैं लेकिन खुद के लिए करते हैं,
हम लोग कोई यज्ञ कर रहे हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, हम हमारा जो फल होता है उसको हम लोग भोगना चाहते हैं। फिर हम लोग फिर उसके बाद हम लोग कर्मयोग में आते हैं, कर्मकांड से कर्मयोग में आते हैं, जहाँ भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि सकाम कर्म योग क्या होता है और निष्काम कर्म योग क्या होता है। सकाम कर्म योग में क्या करते हैं, हम लोग हर चीज अपने लिए रखते हैं, और सकाम कर्म योग में क्या है, भगवान को अर्पण करते हैं। फिर वहां से आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ज्ञान योग क्या है, ज्ञान में क्या है, हम लोग ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, फिर भगवान उसको भी रेफ्यूट करते हैं, यानी ये भी ढंग, यानी ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर भगवान बोलते हैं कि यानी इससे ऊपर भी है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है, भगवान को हम लोग समर्पण करते हैं, भगवान को समझने की रूप समझने का प्रयत्न करते हैं और भगवान को सरेंडर करते हैं, तो उसको बोलते हैं भक्ति योग। और भक्ति योग का मेन पर्पस क्या होता है, यानी जैसे अभी हम लोग यानी फर्स्ट डे आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि यानी हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। सबको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम लोगों ने उसमें देखा था कि यानी जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है, यानी जानवर क्या क्या नहीं करता है, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, ये सब चीज के अलावा आदमी के पास जो मनुष्य जन्म मिला है, यानी जैसे मैं आज सुबह भी एक एग्जाम्पल दे रहा था, ये जन्म हम लोगों को जो मिला है वो एक मर्सिडीज बेंच की तरह है। अगर हम इस मर्सिडीज बेंच को ले जाकर हम लोग खेत में जोतेंगे तो क्या उससे उसका सदुपयोग हो रहा है क्या? मर्सिडीज बेंच काय के लिए होती है, उसको अच्छे से रोड पे जाना है, आपको कोई डेस्टिनेशन में जाना है, यानी कहीं जाना है और फास्ट जाना है, तो हम लोग उस गाड़ी का प्रयोग करते हैं, उसमें बैठ के आराम से जाते हैं। उसी प्रकार हमारे को ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये एक मर्सिडीज गाड़ी की तरह तुलना हमारे आचार्य लोग करते हैं, यानी उसको बोलते हैं कि यानी इस शरीर से हम लोग इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो हम लोगों के चार मेन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जन्म में क्या होता है, वो पेट में कितना भुगतता है, उसको क्या क्या भुगतना पड़ता है, मृत्यु कितनी कठिन है, और सबको बुढ़ापा आ रहा है, सबको व्याधि आ रही है, जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना से कितने लोग मर जा रहे हैं। इन सबसे हम लोगों को छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को इस शरीर से, इस शरीर का उपयोग करके हम लोगों को भगवत प्राप्ति के लिए जाना पड़ता है। तो थर्ड चैप्टर वाज टेक्निकली, यानी थोड़ा सा एकदम फिलोसॉफिकली स्ट्रॉन्ग चैप्टर था। उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर में देखे थे कि आदर्श कर्म योगी क्या होता है। आदर्श कर्म योगी में भगवान बताते हैं कि यानी जो पूरे अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करता है उसको आदर्श कर्म योगी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि आत्मा का शत्रु कौन है, वो कहाँ निवास करता है, क्या करता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि काम ही हमारा शत्रु है, और वो कहाँ पर निवास करता है, हमारे इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में निवास करता है। जब हम लोगों की इंद्रियों को तृप्ति नहीं होती है तब हम लोगों को क्या होता है उसके प्रति, अब जैसे यानी हम लोगों का किसी के प्रति वो आसक्ति बढ़ जाती है, जब हम लोगों को वो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है और वो काम पूरा नहीं होता है तो हमको क्रोध होता है। क्रोध से क्या है, हम लोग कुछ एक्शन ऐसा रिएक्ट करते हैं कि ताकि फिर हमारी आत्मा जो है उसको वापस से हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये हमारा ओवरऑल रिव्यू हो गया कि हम लोग थर्ड चैप्टर से फोर्थ चैप्टर में अब जा रहे हैं। उसके बाद अर्जुन को जो संशय होते हैं वो चौथे चैप्टर में भगवान पूरे करते हैं। जैसे चौथे चैप्टर का मैं पूरा रिव्यू आपको बताना चाहूंगा, यानी जैसे चौथे चैप्टर में 42 श्लोक है, भगवान ने 42 श्लोक बताए हैं, और उसका हम लोग चार भाग में डिवीजन करेंगे। जैसे श्लोक क्रमांक 1 से 10 तक हम उसको बोलेंगे सनातन शिक्षा, एटर्नल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, ये क्या चीज है, यानी इसमें भगवान हम लोगों को ये बताते हैं कि भगवद गीता कहाँ से आई, क्यों आई, भगवान ने भगवद गीता क्यों बोली, और भगवान का जन्म क्यों होता है, भगवान ने के गुण रूप लीला के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसमें से डिस्कस अध्ययन करेंगे। फिर जो उसका जो सेकंड स्टेज है फोर्थ चैप्टर का, वो है श्लोक क्रमांक 11 से 15 तक। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ क्या होती है, यानी भगवद गीता समझने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए। फिर श्लोक क्रमांक 16 से 24 तक कर्म फलों को नष्ट करना, रिमूविंग रिएक्शंस। हम लोगों ने जैसे पिछले उसमें देखा था कि यानी एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, हम लोग कर्म करे बगैर रह ही नहीं सकते, तो हम लोग रह ही नहीं सकते। एग्जाम्पल एक हमारे आचार्य ऐसा देते हैं कि जैसा एक शेर बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि हिरन या कोई उसका जो पेट भरने वाला जानवर है जिसको उसको मारना है
वो आकर उसके सामने अपने आप बैठ जाए और ये शेर आराम से खा ले, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है, शेर को पहले उसके पीछे भागना होता है, उसको पकड़ना होता है, उसको मारना होता है, फिर उसका उसको भोजन बना के खाना होता है। तो उसी प्रकार से हमारे को भी एक सेकेंड कुछ डिस्टरबेंस है, मैं उसको ठीक कर रहा हूं। सबको स्लाइड शो दिख रहा है ना? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक सेकेंड। यस, थैंक यू प्रभु जी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यानी श्लोक क्रमांक 16 से 24 तक हम लोग रिमूविंग रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। जैसे हम लोग जो कर्म करते हैं उसका जो हम लोग फल मिलता है, हम लोगों के कितने जन्मों के 84 लाख योनियों में से हम लोग तड़प तड़प कर हम लोगों को कितने पुण्य करे होंगे तब हम इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करे हैं। तो अब लेकिन हमारे इस मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो हमारे भगवत प्राप्ति है, ताकि हम लोग सारी ये जो दुविधाएं हैं हमारे जीवन में ये सबसे हम लोग निकल कर हम लोग भगवत प्राप्ति करें और वहां पर शाश्वत जाकर भगवान की सेवा करें, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर श्लोक क्रमांक 25 से 42 तक यज्ञ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि पिछले चैप्टर में भी भगवान बताते हैं कि यज्ञ का मीनिंग क्या है, और प्रभुपाद जी इसमें यानी शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि यानी यज्ञ यानी क्या होता है, यज्ञ में जो अग्नि होती है उसको विष्णु की जिह्वा से कंपेयर किया जाता है, और हम लोग जो भी आहुति उसमें देते हैं दैट गोस डायरेक्टली यानी वो डायरेक्टली भगवान को चढ़ती है, इसलिए हम लोग यज्ञ करते हैं। तो फिर इस चौथे अध्याय में ये जो दिव्य ज्ञान है इसमें हम लोग लास्ट में देखेंगे कि यज्ञ क्या होता है, एक्चुअल यज्ञ कैसा होता है, और कलयुग में यज्ञ का महत्व क्या है, और किस प्रकार का यज्ञ हम लोगों को कलयुग में करना चाहिए। और हम लोग ये भी देखेंगे कि यानी हाँ, तो हम लोग दिव्य ज्ञान को यहां से स्टार्ट करेंगे। भगवान अब अर्जुन को डाउट होता है कि यानी आप भगवत गीता मेरे को बोल तो रहे हो लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है, भगवान को पूछता है वो। तो भगवान बताते हैं कि राज ऋषियों ने इस सनातन ज्ञान योग के विज्ञान को गुरु परंपरा के माध्यम से समझा, ये गुरु परंपरा मुझसे श्री कृष्ण से प्रारंभ होती है, मैंने विवस्वान को इसको दिया सूर्यदेव को, उसके बाद मनु को दिया जो मनुष्यों के पिता है, इसके बाद इश्वाकु को दिया, इस तरह पूरी परंपरा में आ रही है। तो भगवान यहाँ पे श्लोक क्रमांक में बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम। तो हम लोगों को कभी भी एक डाउट आ सकता है, जैसे हम लोगों ने पिछले 3 सेशन में देखा कि यानी भगवत गीता क्या है हमारे लिए। भगवत गीता एक मैनुअल है, जैसे हम लोग एक मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वहां पर हम लोगों को क्या होता है, एक मैनुअल मिलता है कि इसको चलाने के लिए आपको इस मैनुअल को फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप ये मैनुअल फॉलो नहीं करोगे तो इसका यूसेज वेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान ने इस मनुष्य शरीर में हम लोगों को आने के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करने से
क्या होगा, ज्ञान धर्म हर चीज के बारे में, आप कोई भी टॉपिक ले लो इस भौतिक जगत में, हर चीज को भगवद गीता में भगवान ने 18 अध्याय में सब कुछ बता दिया है। तो फिर हम लोगों को इस मैनुअल का यूज भी तो मालूम होना चाहिए। तो जब अर्जुन को भगवान दिव्य ज्ञान देना चाहते हैं तो अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान मैं मेरे द्वारा आ रहा है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लाइट आती है, तो अब जब हमारे घर में लाइट आ रही है तो पूरी लाइट आ रही है। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे घर में थोड़ी सी लाइट आ रही है, आधा बल्ब जल रहा है, नहीं, बल्ब तो पूरा ही जल रहा है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग ज्ञान भगवान से आ रहा होता है तो वो पूरा ज्ञान होता है। जैसे इस चित्र में आप देखोगे तो अलग अलग परंपरा में, यानी जैसे भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, और ऐसे गुरु परंपरा में होते हुए प्रभुपाद जी तक आता है ज्ञान, फिर प्रभुपाद जी के द्वारा उनके शिष्यों के पास आ रहा है, उनसे फिर ऐसे प्राप्त हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं होता, यानी भगवान प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं हमको कि यानी ये इतने हजारों लाखों साल से जब ये आ रहा है तो इसको ये डाइल्यूट हो गया है, इसलिए मैं आपको आज वापस से इसको बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको मैं ये ज्ञान मैं पहली बार दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैं पहले भी दे चुका हूँ। तो भगवान आगे फिर अर्जुन के डाउट्स आते हैं कि यानी भगवान मैं और आप यहाँ पे ही खड़े हुए हैं, तो आप कैसे पहले पहुंच गए और मैं कैसे नहीं पहुंचा। तो फिर भगवान उसका भी जवाब देते हैं अर्जुन को कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें यहाँ पे पूरे इतिहास, वेद और जो भी हमारे पुराण शास्त्र जो भी है, इसके बारे में यहाँ पे भगवान बताते हैं कि यानी जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं कि वेद कहते हैं कि वृक्षों में जीवन है, इसे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया। आजकल ये लोग जो भी साइंटिस्ट लोग जो भी करना चाह रहे हैं, हर चीज के बारे में ऑलरेडी पहले से ही बताया जा चुका है। अभी ये लोग जो क्या कर रहे हैं उसका खाली इवैल्यूएशन करके उसको खाली बाहर लेके आ रहे हैं। अभी जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि यानी एम्ब्रियो जो माता के गर्भ में जब बच्चा बनता है, तो आजकल के जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं उसके बारे में बताते हैं कि यानी एक स्टेज में इतने दिन में हाथ आएंगे, इतने दिन में पैर आएंगे, इतने दिन में उसका मस्तिष्क बड़ा होगा और बच्चा ऐसे फॉर्म होगा। ये सब चीज लाखों साल पहले ऑलरेडी शास्त्रों में बताई गई हुई है। फिर आधुनिक मानवीय भूमि विज्ञान भ्रण विज्ञान का वर्णन वैदिक शास्त्रों में मिलता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यानी देखो अभी देखो 1980 में खोज हुई थी कि यानी गोबर में भी रोगाणुनाशक गुणों है बोलकर, लेकिन ये हम लोगों को पहले से ही मालूम, हमारे को जो सनातन धर्म से ही हम लोग जो इतने पुराने हमारे जो वेद और शास्त्र हैं इसमें ऑलरेडी इन चीजों के बारे में बताया जा चुका है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यानी आधुनिक मनुष्य का झुकाव योग, ध्यान, वास्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धातु शास्त्र इत्यादि की तरफ काफी बढ़ रहा है। इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा हम लोग इसमें से एक ही एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम लोग लेंगे वास्तुशास्त्र। आज ये वास्तुशास्त्र हम लोग देखते हैं कि यानी कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर हम लोग जब भी घर लेते हैं तो कहाँ पर अग्नि होनी चाहिए, कहाँ पर यानी वजन होना चाहिए, कहाँ पर पानी होना चाहिए, कहाँ पर घर के मुखिया को सोना चाहिए, कहाँ पर पैसा होना चाहिए, ये सब चीज वास्तुशास्त्र में ऑलरेडी बताई गई हुई है, लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं थे। अभी क्या है, वापस से सब लोग हम लोग उसको यू टर्न लेके अभी वापस से हम लोग इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं। और हम लोग आजकल देखते हैं कि यानी इतने लोग जो अच्छे अच्छे बने हुए घर को भी तोड़कर वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसको वापस से रेनोवेट करते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम लोगों को मालूम चल रहा है कि ये सत्य है, इसको फॉलो करने से इम्पैक्ट रह रहा है हमारे जीवन में, इसी कारण से वापस से सब लोग यू टर्न लेके वापस से वेद शास्त्र इन सब की तरफ आ रहे हैं। फिर यानी भगवान एक और चीज बताते हैं कि यानी हमारे जो आचार्य हैं,
भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है उसके बारे में बताते हैं। जैसे प्रामाणिक मार्ग पूरे हमारे वेद और शास्त्रों का जो सार है वो चार रास्तों से भगवान तक जाता है। तो वो चार रास्ते क्या है? एक संप्रदाय है लक्ष्मी जी से चालू होता है, एक रास्ता है जो वो ब्रह्मा जी से चालू होता है, एक शिव जी से चालू होता है और एक चार कुमार से चालू होता है। जिसको जो लक्ष्मी जी से चालू होता है उसको श्री संप्रदाय बोलते हैं, जो ब्रह्मा जी से चालू होता है उसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं, और जो शिव जी से चालू होता है उसको रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, और जो चार कुमार से चालू होता है उनको कुमार संप्रदाय बोलते हैं। तो यानी ये पूरे जो चार संप्रदाय हैं उसको उसका जो अधिकरण है, यानी जहाँ यहाँ पर उसका प्रोपेगेंडा कौन से आचार्यों ने किया, वो है रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी। अभी हम लोग देखते हैं कि अब इस्कॉन, ये इस्कॉन क्या है, कहाँ से आ गया, सडनली पैदा हुआ क्या? ऐसा नहीं है। हमारा भी एक फिलोसफी है, हम भी एक रास्ते को फॉलो करते हैं, और हमारा भी जैसे इस्कॉन जो है वो माध्वाचार्य के अंडर में आता है और उनकी फिलोसफी ही हम लोग पूरी फॉलो करते हैं, इसलिए इस्कॉन को ब्रह्म माध्व गौड़े संप्रदाय से जुड़ा हुआ मानते हैं। और जो हमारे आचार्य हैं और हमारे जो प्रभुपाद है इसी परंपरा में आते हैं। तो जो हम लोगों को जो ज्ञान मिल रहा है भगवद गीता में आज, वो हमारे को इस रूट के द्वारा मिल रहा है। और अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यानी भगवद गीता की काफी कमेंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट 600 कमेंट्रीज है भगवद गीता की मार्केट में। तो जिसको जैसे मन में आया वो वैसे, यानी जिसके मन की स्थिति रहती है उसी मन की स्थिति को लेकर वो पूरी भगवद गीता को उसकी व्याख्या कर देता है, यानी उसकी कमेंट्री उसके ऊपर लिख देता है। श्लोक तो वही है लेकिन कमेंट्री लिखते समय, जैसे एक पॉलिटिशियन थे, एकदम उन्होंने पूरी भगवद गीता को अहिंसा के बारे में लिखा, लेकिन अहिंसा का ऐसा, भगवान तो अर्जुन को लड़ो बोल रहे हैं लेकिन पूरी कमेंट्री किस पर है? पूरी अहिंसा के ऊपर है। सो वो करेक्ट नहीं है। और एक हम लोग देखते हैं कि यानी जैसे किसी ने अहिंसा के बारे में बताया, किसी ने खाली सोशल सर्विस, पूरी भगवद गीता को खाली सोशल सर्विस के नाम पर लिख दिया, ये भी ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक क्या है? जो ज्ञान, जो बोलते हैं हम, जो दिव्य ज्ञान है वो परंपरा के द्वारा हम लोगों को मिलना चाहिए और उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में आना चाहिए, और उस इम्पैक्ट के कारण हमारे जो जीवन में चेंज आना चाहिए। जैसे हम लोग इस्कॉन में देखते हैं कि जब इस्कॉन के जो संस्थापकाचार्य थे प्रभुपाद जी, जब वो पाश्चात्य देश में गए थे, फॉरेन कंट्री में गए थे, तो वहां पर वो हिप्पीज के साथ में रहते थे। हिप्पीज यानी क्या होता है? जो एकदम मदिरा, मैथुन, सब एक जगह बैठ के करना, खाना पीना एकदम गंदगी में रहना, वैसे लोगों को जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए हिप्पीज को हैप्पीज बनते हुए देखते हैं, तब हम लोगों को मालूम चलता है कि नहीं भाई, इसमें कुछ दम है। और वो लोग अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि यानी हम लोग इंडिया के लोग थोड़ा पायस होते हैं, अंग्रेज लोग वैसे नहीं होते हैं। वो लोग कुछ भी अपनाने से पहले उसका पूरा यानी उसकी साइंटिफिक थियोरी को मालूम करते हैं, उसके पे रिसर्च करते हैं, तभी मानते हैं। और आपको ये जानकर बहुत यानी आश्चर्य होगा कि अभी इंडिया से ज्यादा भगवद गीता रशिया और चाइना में लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इस्कॉन के स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी ने काफी टाइम तक भगवद गीता का प्रचार भारत में करने का प्रयत्न किया, लेकिन यहाँ के लोग सुन ही नहीं रहे थे। हमारा देश तभी आजाद हुआ था, वेस्टर्नाइजेशन एकदम पीक था, कि हम लोग कुछ भी कर रहे थे तो जो अमेरिका से आ रहा था बस वही करना है हम लोगों को। तो फिर प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद को उनके गुरु का ये भी संदेश था कि इसको, अपनी भगवद गीता को आप इंग्लिश में भी बताओ, क्योंकि ये सनातन धर्म है। पूरी भगवद गीता में कहीं भी हिंदू नाम का शब्द नहीं मिलेगा आपको, ये हमारा सनातन धर्म है, ये कई युगों से आ रहा है। तो प्रभुपाद इस ज्ञान को ले जाकर वहां पे अंग्रेजों को पढ़ाए, फिर वो अंग्रेजों को इंडिया में लेके आए, उनको व्हाइट एलिफेंट्स बोला, और उन अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों को भगवद गीता पढ़ाना चालू करा।
तब इस्कॉन एकदम से फूट कर आया इंडिया में। तो ये भी एक बैकग्राउंड है। इसका कारण क्या है? क्योंकि परंपरा, एकदम परंपरा में आ रहा है, ऑथेंटिक है। इससे आदमियों के जीवन में, मनुष्य के जीवन में चेंजेस दिख रहे हैं, तो ही हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कोई किसी ने भी कुछ भी लिख दिया और इसमें हम लोगों को इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जब कॉलेज प्रीचिंग वगैरह में जाते हैं तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि यानी आप एक हफ्ते तक चैंटिंग करके देखो। एक हफ्ते में आपको अपने यानी दैनिक जीवन में, अपने मन में, बुद्धि में, अहंकार में, सब में चेंजेस आपको खुद दिखाई देंगे। अभी जैसा कोरोना का इफेक्ट है, जो लॉकडाउन का इफेक्ट है, हम लोगों को मालूम है, यानी हम लोगों को इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं, इतने लोगों स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम चल गया कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब भगवान के हाथ में। कब क्या हो रहा है उनके हाथ में, सबको, किसी को सबको मालूम चल गया है। तो सबका झुकाव थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा हो रहा है। हम लोग इतने कॉल्स आ रहे हैं इस्कॉन के बारे में, पूछ रहे हैं लोग कैसे ज्वाइन करें, क्लासेस कैसे अटेंड करें। हम लोग खुद परेशान है कि लोग इतना कैसे, यानी एकदम सडनली स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो जब हम लोगों ने रिसर्च की थोड़ी बहुत, तो ऐसा मालूम चल रहा है कि सबको मालूम चल रहा है कि यानी दिस इज द बेसिस, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, सबको मालूम चल रहा है। फिर ये इस चित्र में हम लोग देखेंगे कि यानी हमारी गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी यहाँ पे जो आसन पर बैठे हुए हैं, और हमारी परंपरा नारद जी से होते हुए, ब्रह्मा जी से होते हुए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान तक जा रही है। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि हमारी शिक्षाएं शुद्ध, आधिकारिक और जीवन में उतारने के लिए सुरक्षित हैं, क्योंकि वे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त परम पूज्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। तो हम लोग यानी हम लोग बोलते हैं ना कि यानी बोलने से ज्यादा आचरण पे आपको मालूम चल जाएगा। तो इस्कॉन में पहले आचरण है, फिर प्रवचन है, तो आपको उससे ही मालूम चल जाएगा कि यानी ये ऑथेंटिक है या नहीं है, इससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, यानी भगवान बोलते हैं कि जब अर्जुन प्रश्न पूछता है कि यानी ये रहस्य मेरे को क्यों बता रहे हो, तो फिर भगवान बताते हैं कि भक्तोस्मि मे सखा चेति, यानी तुम मेरे सखा भी हो और मेरे शिष्य भी हो, इसलिए मैं तुमको ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। फिर अर्जुन का प्रश्न आता है जो पिछले श्लोक में उसने पूछा था, नास्तिक लोग कृष्ण को सर्वसाधारण व्यक्ति समझते हैं और विश्वास नहीं करते कि कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्यदेव को बताया, इसलिए अर्जुन कृष्ण की अपेक्षा कर रहे थे कि वह अपने बारे में स्वयं बताएं। तब कृष्ण उत्तर देते हैं कि यानी अर्जुन को भी डाउट आता है कि यानी भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों, कैसे। तो फिर बताते हैं कि आगे श्लोकों में भगवान बताते हैं कि यानी उनका पर्पस क्या था आने का और कब कब वो आते हैं, ये सब के बारे में भगवान अभी बहुत इंपॉर्टेंट दिव्य ज्ञान जो है वो सब बताएंगे अभी। फिर भगवद गीता के बारे में श्रील प्रभुपाद 4.3 की कमेंट्री में लिखते हैं कि यही कि इतनी सारी कमेंट्री हैं और सब यानी इसमें देखो पद जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश में सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। तो ये जो कमेंट्रीज आती हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। आप चार संप्रदाय में से कौन सा भी संप्रदाय लो, कौन सी भी बुक लो भगवद गीता की, अगर उसको पहले टेस्ट करो कि ये कोई संप्रदाय में है या नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खाली इस्कॉन की बुक पढ़ो आप, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि चार संप्रदाय में आपकी बुक अगर ऑथेंटिक कोई भी परंपरा में आ रही है तो यू कैन रीड दैट बुक, आप उस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि मेरा जन्म और मृत्यु तुम्हारी तरह नहीं होता है। भगवान यहाँ बताते हैं कि मेरा जन्म और मेरा शरीर अलग है, दिव्य है, मैं अजन्मा हूं,
इसके बारे में भगवान बताते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं कि मैं भी काफी जन्मों से हूँ और तुम भी काफी जन्मों से हो, यानी हमारी आत्माएं जो है वो भी है, लेकिन मेरा शरीर दिव्य है और तुम्हारा शरीर स्थूल है, क्योंकि तीन गुणों से तुम्हारा शरीर इसमें इफेक्ट हो चुका है, इस कारण से तुम सब कुछ भूल चुके हो और मुझे सब कुछ याद है। यहाँ पे भगवान हर चीज, यानी हमारे जीवन में कभी भी हम लोगों को, यानी मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि यानी हमारे जीवन में कभी भी कोई हमको परेशानी आती है या कुछ हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अगर हम लोग शास्त्रों का सहारा लेंगे तो हम लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम। फिर भगवान आगे बताते हैं कि कृष्ण के आविर्भाव का अद्वितीय, यहाँ से ये जो चार श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8, 9 हम लोग इसका श्लोक भी पढ़ेंगे और इसका तात्पर्य एज इट इज भी पढ़ेंगे ताकि सबका फायदा हो। अजोस्पि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामिधिष्ठाया संभवायात्ममया। भगवान यहाँ पे इसके अनुवाद में बताते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैं हर एक युग में प्रकट होता हूँ, जैसे चार युग हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कौन से युग में भगवान आ रहे हैं, त्रेता में क्या बनकर आए, द्वापर में क्या बनकर आए, सतयुग में क्या बनकर आए और कलयुग में क्या बनकर आने वाले हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं, यहाँ पे हम लोग स्लाइड शो में देखेंगे कि यानी असली संगमरमर कैसा होता है और नकली संगमरमर कैसा होता है, असली मुद्रा नकली मुद्रा, असली आम नकली आम, और सौंदर्य के बारे में भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद रूप है। हम लोग भगवान को देखते ही खुश हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान का रूप भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक सौंदर्य है। फिर भगवान आगे नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो जो भगवान क्यों आते हैं, जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब भगवान बोलते हैं कि मैं आता हूं। जैसे हम लोग भगवान की जो लीलाएं हैं वो एकदम दिव्य हैं और वो अलौकिक हैं। जैसे भगवान का हम लोग ये भागवतम में स्टोरी आती है, भगवान की 16,108 रानियां थी, जब वो राक्षस को मारकर भगवान 16,000 उनको ओ, आ, क्या बोलते हैं दिव्य कन्याओं को बोलते हैं कि जाओ आप लोग अपना जीवन जियो, तो कन्याएं भगवान को आके प्रे करती हैं कि अब तो हम लोगों को इसने बंदी बना लिया था, अब हम लोगों को यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, हम लोग अगर हम लोगों को जाना है या तो हम लोगों को आत्महत्या करनी पड़ेगी या तो हम लोगों को आप स्वीकार करो। तो भगवान बोलते हैं चलो ठीक है ओके। तो भगवान क्या करते हैं फिर इमीडिएटली 16,000 एक्सपेंशन करके 16,000 रानियों के साथ 16,000 महल में रहते हैं। हम लोग कर सकते हैं क्या? ये अलौकिक है एकदम। फिर भगवान ये देखो चित्र में बता रहे हैं हम लोग कि भगवान अलौकिक लीलाएं करते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, हम लोग उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। ये भगवान ने ऐसी अलौकिक काफी लीलाएं की है, फिर लौकिक भी की है, जैसे हम लोग माखन चुराना, हम लोग भी जाकर चुरा सकते हैं, ये लौकिक है। अलौकिक और लौकिक भगवान में सब है, भगवान पूर्ण है। फिर नेक्स्ट श्लोक में आता है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दृष्टकताम धर्म संस्थापतनाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म का फिर से संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिर इसका नेक्स्ट श्लोक आता है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः
वक्ता देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म धाम को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, भगवान ज्यादा भी नहीं बोल रहे। भगवान क्या बोल रहे हैं, खाली भगवान के जन्म और भगवान के कर्म को जो जान लेता है वो उसको वापस से इस भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा डायरेक्ट गोलोक जा सकता है। ये भगवान का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऐसे नहीं कि भगवान कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, भगवान एकदम रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं कि तुम मेरे बारे में जानो तो मैं आपको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर ले जाऊंगा और तुम्हारा जो कर्म फलों का जो घड़ा है उसको फोड़ कर उसका पूरा नाश करके मैं आप लोगों को आगे ले जाऊंगा। कृष्ण फिर नेक्स्ट श्लोक 10th श्लोक में भगवान बताते हैं कि कृष्ण को जानने वाला कृष्ण से प्रेम करता है। क्यों? जब हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि सब हम लोगों को सबको मालूम है हमारे अंदर आत्मा के साथ परमात्मा बैठा हुआ है। काफी बार हम लोग देखते हैं कि हमारे मन और बुद्धि में द्वंद होता है। हम लोग सोचते हैं ये करें या नहीं करें, ऐसा करने से अच्छा होगा ऐसा करने से नहीं अच्छा होगा। थोड़े कार्य करते समय हम लोगों को हमारी बुद्धि बोलती है ऐसा नहीं करे तो ही ज्यादा बेटर है बॉस। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये तो करना ही चाहिए, इससे ही हमारा उद्धार होगा। तो परमात्मा और आत्मा सब हमारे अंदर है, तो हम लोग जब परमात्मा के बारे में जानेंगे, हम जब उनको सरेंडर करेंगे यानी उनके प्रति हम लोग लीन परमात्मा के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे, तो भगवान आगे शास्त्रों में बताते हैं कि यानी अलग अलग ब्रह्म संहिता में इसमें उसमें यानी आप मेरी तरफ एक कदम आगे आओ तो मैं आपकी तरफ 10 कदम आगे आऊंगा और आप एक कदम पीछे जाओगे तो मैं 10 कदम पीछे जाऊंगा। तो भगवान का जो आदान प्रदान होता है वो एकदम दिव्य होता है और हर चीज भगवान पहले से एस्टैब्लिश कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यानी जैसे भगवान के एकदम अलौकिक लीलाएं क्या कौन सी थी लीलाएं और भगवान क्या क्या रूप में आते हैं और कैसे करते हैं। जैसे भगवान यशोदा मैया को अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड को दिखाते हैं, फिर अर्जुन को युद्ध में अपना विराट रूप दिखाते हैं, एक हो गया अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं, अर्जुन को बाहर से पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं और रास करते समय अपने आप को इतने एक्सपेंशंस कर रहे हैं। हम लोग तो ये सब नहीं कर सकते, ये सब भगवान की अलौकिक लीलाएं। और अगर हम अपने इन सब लीलाओं के बारे में सुनते हैं तो हम लोगों को भगवान के प्रति अपने आप प्रेम जाग उठता है। भगवान वही चीज इसमें एस्टैब्लिश कर रहे हैं। फिर भगवान बताते हैं कि कृष्ण के रूप को ठीक से जानने का परिणाम क्या होता है। शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार से पुनर्जन्म नहीं मिलता, जो हम लोगों ने अभी देखा। कृष्ण के ज्ञाता कृष्ण से प्रेम करते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ रहा है, हम लोग एक एक श्लोक नहीं ले सकते, तो आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग जो सारांश पढ़ रहे हैं इसके बाद में आप खुद भी थोड़ा सा रोज एक श्लोक पढ़िए आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है। सबको काम करना है, भगवान सबको 24 घंटे दिया है, लेकिन आप लोग भगवान यही बोलते हैं शास्त्रों में कि यानी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को आपका समय चाहिए। अगर आप समय नहीं दे सकते तो मेरे पास भी आपके लिए समय नहीं है, तो सोचो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। क्योंकि भगवान बोलते हैं मेरे पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी मेरी सेवा कर रही है, आपके एक अगरबत्ती से कुछ दान पुण्य करने से एक नारियल फोड़ने से मैं प्रसन्न नहीं हूंगा, मेरे को चाहिए आपका समय। आप समय दो, मेरा अध्ययन करो, दिव्य ज्ञान प्राप्त करो और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल कर मेरे शाश्वत धाम में आकर मेरी सेवा करो। तो भगवान एकदम क्लियरली हर चीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यानी मनगढ़ंत कुछ भी बोल दिया, भगवान हर चीज बोल रहे हैं। और भगवान आत्मा को शुद्धि के लिए शुद्धि के लिए हम लोगों को जो जो चाहिए वो हर चीज भगवद गीता में है। अभी इसमें यहाँ पे हम लोग आगे देख सकते हैं कि तीन प्रकार के व्यक्ति जो भगवान को नहीं समझ सकते। एक तो है खाली पैसा पैसा पैसा,
हम लोग इतने एग्जाम्पल्स देख लिए कि यानी पैसा कितना ही जमा कर लो अंत में नहीं जाता। जैसे कोई किसी के पास हम लोग जाते हैं, किसी की शव यात्रा में भी जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए शोक मोह प्रकट करते हैं, बस फिर जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीतता है हम उनको भूलते हैं, फिर अपने वापस से उसने क्या छोड़ कर गया, उसके कितनी प्रॉपर्टी थी, क्या थी, कैसे थी, उसके विषय में हम लोग चर्चा करने में आ जाते हैं। फिर भय, आध्यात्मिक पहचान का डर, यानी हम लोग डरते हैं, भगवान से डरते हैं, क्या कैसे करूंगा, मेरे से होगा नहीं होगा। फिर इसका फिर तीसरा है क्रोध, हताश से उत्पन्न होने वाली शून्यता। क्रोध में भी हम लोग भगवान को एकदम नकार देते हैं, हम लोग भगवान से बैर करने लग जाते हैं कि भगवान क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मैं तो कुछ करा नहीं। तो भगवान से हम लोग हताश भी हो जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। फिर हम लोग अब चौथे अध्याय का सेकेंड पार्ट में आते हैं कि सही समझ क्या होनी चाहिए इसमें, भगवद गीता के अध्याय में किस विषय के बारे में सही समझ होनी चाहिए। क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य तक नहीं जाते हैं, आप बताइए। क्योंकि मैं बोलता हूं कि यानी हम लोग चेन्नई की ट्रेन में बैठकर दिल्ली जाने का एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना, उसी प्रकार से हम लोगों को और दिल्ली जाने वाला चेन्नई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो हर रास्ता एक तरफ नहीं जाता है, हम लोगों को हमारा रास्ता चुनना पड़ता है और हम लोगों को उसके लिए हमारा समय देना पड़ता है, तभी हम उस डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। कई देवताओं की पूजा क्यों की जाती है, भगवान भगवद गीता में ये भी बताते हैं कि देवताओं का क्या रोल होता है, उनका क्या रोल है, हर चीज। जैसे यानी एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक प्राइम मिनिस्टर है और उसके अंडर में कई MOS होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, यानी एक एक पोर्टफोलियो होता है उन लोगों का, यानी कोई पानी में है, कोई बिजली में है, कोई और किसी में है। लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज उनसे निवेदन है कि ऐसा ना करें। तो जो पोर्टफोलियो होते हैं, उसी प्रकार जब भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया, एक एक पोर्टफोलियो एक एक को दे दिया, जैसे इंद्र को पानी दे दिया और सरस्वती को ज्ञान दे दिया, ऐसे काफी हर चीज हम लोग देखते हैं माया दुर्गा देवी के कंट्रोल में है। तो हर एक पोर्टफोलियो भगवान ने डिवाइड करके रखा हुआ है। फिर भगवान भगवद गीता में ये भी बताते हैं कि तो आप लोग उनकी पूजा करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, आप मेरी पूजा करोगे तो क्या होगा, ये सब चीज भगवान ने भगवद गीता में बताई हुई है। हम लोगों को क्या है, थोड़ा सा समय देना है और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है। क्या जाति व्यवस्था शोषण करने वाली नहीं है? तो हम लोग जनरली देखते हैं कि जाति व्यवस्था आजकल ये जो इक्वलाइजेशन का जो आ गया, सब लोग बोलते हैं कि इंडिया में ये जाति का भेदभाव वगैरह सब, एक सेकेंड, ये कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, समय हमारे पास कम है और टारगेट बहुत बड़ा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट करने का प्रयत्न करेंगे। फिर कृष्ण बताते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जाति के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि इस फोर्थ चैप्टर में दिव्य ज्ञान में बताते हैं कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, इनको हम लोग किस विभाजन से हम लोग करते हैं जनरली। तो भगवान बताते हैं कि गुण और कर्म के हिसाब से, यानी आप जो कार्य कर रहे हो और आपका जो ज्ञान है उसके हिसाब से जाति में पूरा पूरा जाति को डिवाइड किया गया है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता, जब वो अध्ययन करना चालू करेगा तभी
ब्राह्मण बन सकता है। शास्त्रों में ऐसा एग्जाम्पल आता है, एक राजा थे, उनके 100 पुत्र थे, उसमें से 81 पुत्र जो थे वो ब्राह्मण क्षत्रिय थे, 9 पुत्र ब्राह्मण थे और 10 पुत्र शूद्र थे। ऐसे एग्जाम्पल्स भी आते हैं। फिर भगवान बताते हैं आगे 11वें श्लोक में, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि यानी भगवान अपनी कृष्ण की पूजा करने से उनकी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो लोग भौतिक इच्छाओं के लिए दूसरों की पूजा क्यों करते हैं, ये एक प्रश्न पूछते हैं। तो फिर यहाँ पे भगवद गीता 12वें श्लोक में बताते हैं कि शिप्रम ही मानुषे लोके, यानी हम लोगों को जो बेनिफिट है वो इमीडिएटली, अगर हम लोगों को बेनिफिट चाहिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब यार, आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी डिस्टर्ब कर रहा है प्लीज, यानी उनसे रिक्वेस्ट है कि यानी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। भक्ति और ज्ञान का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है, परंतु कर्म का मार्ग बंधन की ओर ले जाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि सभी पंथों के निर्माता कृष्ण भेदभाव करते हैं? भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, भगवान सबके साथ समान रूप से रहते हैं, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं भगवान हम लोगों को स्वतंत्र इच्छा देते हैं, तुम जो करना है करो, भगवान कभी इंटरफियर नहीं करते। आपको अभी आप लोगों की स्वतंत्र इच्छा से आप लोग अभी भगवद गीता सुनने आ रहे हो, आप चाहो तो अभी सिनेमा थिएटर में बैठ सकते थे, दारू पी सकते थे, नॉनवेज भी खा सकते थे, तो इसका यानी रिजल्ट आपको भगवान देंगे। अभी जैसा ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो इसका बेनिफिट आपको 1000 गुना ज्यादा मिलेगा, जो आप अध्यात्म में जो टाइम स्पेंड कर रहे हो इस मंथ में, आपको इसका बेनिफिट 1000 टाइम्स मोर मिलेगा। इसमें शास्त्रों में भी इसका प्रमाण दिया गया है। थोड़ा सा मेरे को फास्ट जाना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट श्लोक है मैं वही कवर करूंगा। अब ज्ञान के सर पर कर्म को समझना, भगवान कृष्ण ने अब तक बताया है कि प्रामाणिक भक्तों के उदाहरण के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अब वे समझाएंगे कि किसी के कार्य स्वतंत्र क्यों नहीं होने चाहिए। कार्य स्वतंत्र क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग कार्य कोई भी स्वतंत्र करेंगे तो उसका कार्मिक रिएक्शन हम लोगों को लेना पड़ेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम भगवान को भोग लगाए बगैर खा रहे हैं तो पाप खा रहे हैं, इसका भगवान बताते हैं। क्योंकि कुछ भी रहें दो, अगर हम झाड़ भी तोड़ के खा रहे हैं तो उसका उसमें भी तो जीवन था, उसमें भी तो वो प्राण थे, उसको हम लोग खा रहे हैं ताकि हमको भी एनर्जी मिले जैसा। तो हम लोग क्या है, अभी जो पशु नहीं कर सकता हम क्या कर सकते हैं? पशु क्या है? जानवर को खा रहा है, उसका कार्मिक रिएक्शन उसको मिलेगा। लेकिन हम जो खा रहे हैं, जो वेजिटेरियन फूड हम लोग खा रहे हैं, उसको भी हम भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। तो हम लोग जो खाते हैं फिर उससे हम लोगों को कार्मिक रिएक्शन नहीं होता है। तो भगवान इस चीज के बारे में भी हर चीज बताते हैं, क्या खाना है, कैसे खाना है, हर चीज का भगवद गीता में उल्लेख आता है। फिर हम लोग अब तीसरे पार्ट में जाएंगे, कर्म फल को नष्ट करना। तो भगवान यहाँ पे आगे बताते हैं कि कर्म विकर्म और अकर्म क्या होता है। जैसा कर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है। कर्म क्या है, हम लोग जो कर रहे हैं खुद के लिए वो सब कर्म है। विकर्म क्या होता है, जो शास्त्र के विरुद्ध हम लोग जो करते हैं वो विकर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी जैसे दारू पीना, मांसाहार करना, ये सब शास्त्रों में नहीं बताया गया है, तो ये सब विकर्म है। और अकर्म क्या है, जो भगवान बोलते हैं उन चीजों को हम कर्म करके उनको अर्पित करते हैं, फल को अर्पित करते हैं, वो जिसमें अपने को कार्मिक रिएक्शन नहीं मिलता है वो अकर्म है। फिर एक यानी यहाँ पर चौथे दिव्य ज्ञान में ये भी बताया जाता है कि एक इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे एक सैनिक है, वो जब बॉर्डर पे किसी को मारता है तो उसको मेडल मिलता है, और जब वो घर पड़ोसी को किसी को मार देगा तो उसको जेल हो जाएगी। क्यों? वहां पे किसी के बोलने पर वो कर रहा है, यहाँ पे स्वयं कर रहा है। तो हम भी, हमारा जीवन भी हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर भगवान के बताए हुए मैनुअल के हिसाब से चलेंगे, हर चीज उनके हिसाब से करेंगे, तो हम लोगों को उसका कार्मिक रिएक्शन नहीं मिलेगा। और अगर हम अपने मनगढ़ंत जो भी करेंगे उसका हम लोगों को कार्मिक रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे भी अलग अलग एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल से आगे बढ़ना चाहता हूँ। कर्म का विज्ञान, आप अपने कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में, यानी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते थे, हम लोगों को अगर स्वतंत्र इच्छा होती थी तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग अंबानी के घर में पैदा हुए, लेकिन हम नहीं हुए ना,
हम लोग हमारे बाबा माँ बाप को भी चूज नहीं किए, हम लोग किए क्या, अपने आप हुए हम लोग, हमारे बच्चे कैसा पैदा होंगे हम लोग उसके ऊपर भी हमारा नियंत्रण नहीं है, उनके कर्म कैसे होंगे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, और ना किसी का भाग्य है। भाग्य हमारे कार्यों का परिणाम निर्धारित करता है, ना कि हमारे कार्य। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग 4 घंटे का भी लेक्चर लेंगे तो काफी कम है, इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो एक प्रॉपर गुरु परंपरा में हम लोग सुनकर ही प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का विज्ञान दो, कर्मवाद, सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, दैवीवाद। यानी भगवान बेसिकली वो बोलना चाह रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हो कर्म आप करो, फल देने का मेरा काम है। जैसे हम लोग बीज बोते हैं उसके बाद झाड़ हमारे हाथ में नहीं होता है, वो अपने आप आता है। तो ऐसे काफी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यानी अब हम लोग पढ़ते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, करेक्शन करने वाले के ऊपर होता है, अगर उसका मूड खराब रहा तो गया हमारा पेपर। हम लोग देखते हैं ऐसे काफी होता है, क्योंकि मैं भी करेक्शन करता हूँ, कभी मूड नहीं रहा तो किसी को कुछ ऊपर नीचे मार्क्स हो गए तो उसका भी, हम लोगों को उसका भी कार्मिक रिएक्शन रहेगा। तो भगवान हर चीज के बारे में बताते हैं भगवद गीता में। फिर हम आगे बढ़ेंगे 19वें श्लोक में और 20वें श्लोक में, उनका ज्ञान उनके कर्म फलों को जला देता है। भगवान बोलते हैं कि अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो आपके पूरे कर्म फलों को मैं जला दूंगा। फिर नेक्स्ट बताते हैं कि साधन का स्तर, साधन या आरुक्षु। फिर भगवान बताते हैं पूर्णता का स्तर, ये सब यानी एकदम डीप फिलोसफी है जो आप अपने आप पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी। प्रभुपाद की लीलामृत में, प्रभुपाद द्वारा दिए गए भगवद गीता में। फिर भगवान ये बताते हैं निष्काम कर्म योगी के लक्षण, कर्म में अकर्म। हम लोगों ने अभी जैसे देखा कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, यज्ञ क्या होता है। जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि यज्ञ में हम लोग क्यों करना चाहिए और एक्चुअल यज्ञ क्या है, कलयुग के हिसाब से हम लोगों को वो क्या हम लोगों के लिए एप्लीकेबल है। यानी जैसे हम लोग अभी जाके जंगल में बैठ के हजारों साल संन्यास लेकर वो तपस्या तो नहीं कर सकते, और हम लोगों को इतने मंत्र पढ़ना भी नहीं आता कि हम लोग बैठकर यज्ञ में एकदम मंत्र पढ़कर अग्नि को प्रज्वलित कर सके। तो हमारी वो सब शक्तियां नहीं है, अभी हमारा मन, हमारी बुद्धि जो है बहुत सीमित है। तो कलयुग में शास्त्रों के द्वारा जो बताया गया है वो है कि हरे नामे ही केवलम, यानी खाली भगवान का नाम लेकर ही आप भगवत को, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और आप कंपेयर करेंगे चारों युगों में सबसे इजी इसी युग में, और हम लोग उसी के लिए टाइम नहीं देते। थोड़ा सा कर लो बोले तो बोलते हैं कि नहीं भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बुढ़ा होकर करूंगा। जब बुढ़ा हो जाओगे तो कहां से करोगे, आपकी इंद्रियां ही काम नहीं करेगी, आपका शरीर आपका आधा टाइम तो खाली मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा में ही चला जाएगा। आप भगवान में केंद्रित कब होगे? तो भगवान उसमें बताते हैं कि हम लोगों, आप लोगों ने पिछले 3 दिनों में भी सुना होगा कि कौमारम अवस्था से ही हम लोगों को भगवत प्राप्ति के लिए अपना ध्यान लगाना चाहिए। कौमारम यानी 5 साल की उम्र से ही भगवान के ज्ञान के बारे में अध्ययन करना चालू कर देना चाहिए हम लोगों को। फिर भगवान चौथे यानी हमारे जो लास्ट हमारा सेशन है 24 से 42 का, यज्ञ के बारे में बताते हैं। इसमें अलग अलग तरह के यज्ञों के बारे में बताया गया है। जैसा द्रव्य यज्ञ होता है जिसमें हम लोग दान पुण्य करके थोड़ा सा पुण्य कमाते हैं, स्वर्ग लोक तक जाते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा पाप कर्म करते हैं, नीचे के लोकों में जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं, फिर यहाँ पर रहते हैं। तो अलग अलग काफी तरह के यज्ञ होते हैं, उन सबके बारे में भगवान एक एक श्लोक में एकदम डिटेल में बताते हैं। जैसे तपो यज्ञ हो गया तपस्या में, स्वाध्याय यज्ञ हो गया जैसे यानी बैठ कर पढ़ना एकदम, तो ऐसे काफी तरह के यज्ञों के बारे में भगवान बताते हैं। और फिर बताते हैं भगवान सभी पाप, 30वें श्लोक में बताते हैं कि सभी पाप कर्मों से मुक्ति और यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में ना या इस जीवन से में सुख पूर्वक नहीं रह सकता। अगर हम प्रॉपरली यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो भगवान हमारे को एक नाव में आकर ले जाते हैं जो समुन्द्र में है। आप जब उस नाव में बैठ जाओगे तो इवन आपका कर्म का जो घड़ा है वो आपके साथ है तो भी भगवान उसको नष्ट करके आपको भवसागर पार कर ले जाएंगे।
ब्रह्मांड में छेद कर एकदम गोलोक की तरफ ले जाएंगे। फिर भगवान आगे बताते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्ति करने की पद्धति क्या होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हर जगह फॉलो होता है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी संप्रदाय में चले जाओ, तद्विती परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी इसका मतलब क्या है, आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। अभी हम लोग हर चीज में ज्ञान 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 बोल रहे हैं, अरे यार ज्ञान मिलेगा तो कैसे मिलेगा वो भी तो बताओ। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि यानी एकदम नम्र बनकर अपने गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो और उनसे प्रश्न करो, तभी ये ज्ञान तुम्हारे को परंपरा में जो आ रहा है वो मिलेगा। तुम जाके बॉस मेरे को बताओ आज, मेरे को आज ये पूरा समझना है, बोले तो नहीं होगा। आपको ये दिव्य ज्ञान के लिए हम्बल बनना पड़ेगा कि भगवान मेरे को, मैं तत्व ज्ञान के बारे में जानना चाहता हूँ। तो गुरु ही है जो एक अपने को, हमारा और भगवान के बीच में बहुत गैप है, ये जो गैप कम करने वाले हैं वो गुरु ही हैं। इस गैप को हम लोग जब कम कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, अभी जैसा हम लोग यहाँ पर हमारी ट्यूबलाइट और एकदम पावर हाउस के बीच में एक वायर है जो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, हमारे में और भगवान के बीच में ट्रांसमिशन लाइन कौन है, हमारे गुरु, क्योंकि वहां का जो दिव्य ज्ञान है वो हमको बताते हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे हम लोग इस भवसागर को पार कर कर आगे बढ़े। फिर आगे भगवान बताते हैं कि पवित्रम विद्यते, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर भगवान आगे बताते हैं कि कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है और कौन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ये भी बहुत सिंपल श्लोक है, आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी बीन 8:30, मैं आधा घंटा ओवर चल रहा हूं। तो अब हम लोग पांच मिनट कुछ श्लोक ले लेंगे, कुछ प्रश्न ले लेंगे, किसी का कोई प्रश्न है हो तो। जय श्री कृष्णा गुरुदेव, मैं विशाल बोल रहा हूँ मुंबई से। यज्ञ को थोड़ा सिंपल परिभाषा कर सकते हैं क्या गुरुदेव? यज्ञ की बहुत सारी परिभाषा है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू अस, थैंक यू। यज्ञ की सिंपल लैंग्वेज में एक ही परिभाषा है, जो भगवान, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण है, उनकी प्रसन्नता के लिए आप जो करोगे उसी को यज्ञ कहते हैं। और कलयुग में केवल एक ही यज्ञ आपको बताया गया है, वो भगवान का नाम जप है। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो दिस इज द स्मॉलेस्ट डेफिनेशन आई कैन गिव। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? एक समय इफ यू डोंट वांट एनीवन टू यूज द फोन जमीन दो ओके वी आर एंजॉयिंग यू टेक मोर टाइम। परम पूज्य प्रभुपाद जी के बारे में भी हर दिन कुछ बातें बोलने के कुल प्रभुपाद जी के बारे में यानी बताने के लिए हम लोगों को काफी समय चाहिए, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूँ कि मैं दूसरों के जीवन के लिए नहीं बता सकता, मैं अपने जीवन के लिए बता सकता हूँ। काफी चेंज यानी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी का इस सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूशन है। तो कभी कभी हम लोग जो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो हमारे आंसू आ जाते हैं कि यानी भक्त थे, जैसे अर्जुन था, अर्जुन को भी एकदम दया की बातें याद दिलाना पड़ेगा ना। प्रभुपाद जी में भी दया थी, इसलिए वो चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी वृंदावन में बैठकर एक कोने में अपनी समाधि ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, मेरे को जीव उद्धार भी करना है। जैसे अर्जुन था, अर्जुन के मन में भी दया थी क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त था। प्रभुपाद जी में भी वही दया थी, इसलिए वो अपना यानी कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर आए और हम लोगों को ज्ञान दिया।
और भगवान यानी इस भवसागर से निकलने का हम लोगों को ज्ञान दिया और बताया कि बॉस तुम ऐसा कर लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एकदम जो प्रोसेस है भक्ति का एकदम सिंपल, उसको एकदम सिंप्लीफाइड वे में जो जिसने प्रेजेंट किया वो प्रभुपाद है। जब भगवान सबको गोकुल धाम ले जाना चाहते हैं तो फिर से संसार में भेजा ही क्यों? भगवान ने नहीं भेजा, हम लोगों को भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी, हम लोगों को भोगने की इच्छा थी इसलिए हम भगवान से दूर होकर आ गए। जब हम लोगों को भगवान को हम लोग भगवान से हम लोग जब ईर्ष्या करके हम लोगों को खुद को भोगने की इच्छा होती है तो भगवान ने उस कारण से इस ब्रह्मांड को बनाया। इसका उल्लेख भागवतम में आता है जहां पर भगवान बोलते हैं कि भगवान ने हम लोगों को इस दुनिया में क्यों भेजा। अगर हम इस जीवन को, इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक मर्सिडीज गाड़ी की तरह है ये, अगर हम लोग इसको प्रॉपरली यूज करके जाएंगे तो वापस से हम लोग गोलोक धाम जा सकते हैं। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ जी, हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, हाँ बोलिए माता जी। हेलो, आप बोले ना वो भगवान और हेलो। हाँ हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। हेलो, भगवान के पास जाने के लिए बीच में रहता बोले ना आप, वो गुरु कौन? आपका वॉइस बराबर ब्रेक हो रहा है। गुरु प्रभु जी, मेरे को हिंदी बराबर नहीं आता। नहीं, आप इंग्लिश में पूछिए, आप इंग्लिश में पूछिए। वो बैठते नहीं एक साथ। इंग्लिश नहीं आता, गुजराती गुजराती तेलुगु। तेलुगु आता है क्या? तेलुगु भी थोड़ा बहुत मैं बात कर लेता हूँ। మీ ప్రశ్న ఏంటి మాతాజీ? మాతాజీ మీరు నాకు మెసేజ్ చేయండి, I'll reply you. माताजी मेरे मां नंबर थी इसको अच्छो, आप हमको फोन करिए या मैसेज करिए, we will reply you. आपको पूरा उसका समाधान देंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू माताजी। ऑनियन गार्लिक मेक फूड कुड बी सर्व टू गॉड। प्याज और लहसुन का भोग भगवान को नहीं लगता है इसलिए हम लोग भी नहीं खाते हैं। अगर इस संसार में जन्म लेना इतना कष्टदायक और जीवन मरण का चक्कर है तो किसी को जन्म देना या पिता बनने पर लोग खुश क्यों होते हैं? फिर वो ब्रह्मचर्य ही रहना चाहिए। गौरव कुमार प्रभु, आपका जो प्रश्न है कि यानी हम लोगों को ब्रह्मचर्य ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो आप ऐसा सोच रहे हो क्या कि आपके हाथ में सब कुछ है? आप एक चीज एनालाइज करके देखिए कि आप यानी आप ना अपने माता पिता को चुने, और आपके जीवन में ऐसे कितने कार्य हैं जो आप खुद नहीं चाहते हुए भी हो रहे हैं, तब आप एकदम एक दिन बैठ के रियलाइज करिए कि यानी मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मैं क्या करा। ऐसे आपको जब प्रश्न आने लगेंगे तो आप शास्त्रों का अध्ययन करना चालू करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि यानी ये सब यानी जो ब्रह्मचार्य रहना या क्या करना। जैसे भगवान को, भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि अर्जुन को ये तो नहीं बोल रहे कि भगवान चलो अपन ना जाकर वहां पर पहाड़ों में बैठ के तुमको दिव्य ज्ञान देता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि तुम तुम्हारा कर्तव्य करो। फिर भगवान फोर्थ चैप्टर में ये भी बता रहे हैं कि सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है, फिर चार वर्ण क्या है, हर चीज आपका जो ब्रह्मचार्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसके बारे में भी भगवान बताते हैं। हर चीज के बारे में भगवान बताते हैं। आपके प्रश्नों के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा, या तो फिर कहीं से अटैच होना पड़ेगा ताकि आप पूरे प्रश्नों के जवाब ले सकें। मैं बहुत बढ़ गया हूँ लेकिन टाइम आधा घंटे से ज्यादा हो गया। आई एम रियली रियली सॉरी। पुरुषोत्तम मास में भक्ति करना 1000 टाइम बेनिफिट मिलेगा, तो निष्काम भक्ति कैसे हुई?
निष्काम भक्ति नहीं माता जी, आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो ज्योति माता जी। हम लोग ये जो कर रहे हैं भक्ति योग निष्काम कर्म योग से ज्यादा है। यहाँ पर हम लोग भगवान जैसे बोलते हैं कि यानी आदान प्रदान जो भगवान से होता है हमारा, ये जो अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है कि यानी हम लोग जो भी कार्य इस टाइम पे करेंगे तो इसका बेनिफिट हमको 1000 times ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये निष्काम कर्म वो ऐसा नहीं होता है। आप एक माला कर रहे हो तो उसका बेनिफिट 1000 times है, क्योंकि अभी जैसे बताते हैं भगवान, आपने 3rd chapter में भी सुना होगा, आपने जितनी भक्ति की है वहां से आपके नेक्स्ट जन्म में चालू होगी। तो अगर आप उसको 1000 times मल्टीप्लाई करके आगे लेके जा रहे हो तो सोचो आप थोड़ा सा आगे बढ़ के आगे के डब्बे में हो, लाइन में आगे हो आप। तो ऐसे प्रोसेस है ये, क्या है? एक पूरा आप एज ए होल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हु इज द गुरु हु कम्स इन द पाथ व्हेन वी आर गोइंग टू रीच गॉड एंड नॉलेज। गुरु कम्स इन द पाथ नहीं, गुरु बीच में नहीं आते हैं। हम लोग गुरु को एक्सेप्ट करते हैं, उनके माध्यम से हम लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, हम लोगों को गुरु के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो, यानी आप लोग चाहो तो मेरा नंबर भी ले सकते हो, 9849080579। किसी का कोई प्रश्न हो, कभी किसी से को कुछ डिस्कशन करना हो तो शास्त्रों के बारे में, 9849080579। कभी फ्री टाइम में यानी आप लोग मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, तो कभी मैं फ्री हूँ तो आप हम लोग वो भी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी आपके डाउट्स भी डिस्कशन कर सकते हैं, शास्त्रों से रिलेटेड, भगवत गीता से रिलेटेड हर चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप कभी भी हम लोगों को इस्कॉन को अप्रोच कर सकते हैं एनी टाइम। प्रभु जी, यस प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन। यस यस प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक्चुअली सर मेरी डॉटर है, शी मोस्ट ऑफ द टाइम शी रीड्स गीता विथ मी, and okay. she has one question that you are telling that yug started from satyug, treta, dwapar and our this kaliyug, but in the textbook they are learning that we were hunter and gatherers. How come Lord Ram has come in satyug? He was a king, but where from this hunter and gatherers have come into picture in our book? आपका प्रश्न समझ गया माता जी। का प्रश्न है कि ये जो बुक्स में समझाते हैं कि हम लोगों का जो मनुष्य जन्म मिला है वो बंदरों से हम लोग मनुष्य बने हैं, ये सब गलत धारणा है। ये जो बुक लिखते हैं ना माता जी, ये लोग जो साइंटिस्ट होते हैं, इन लोगों को किसी के बारे में नॉलेज नहीं होता है। ये जो भगवत गीता, ये जो सनातन धर्म, सनातन यानी आदि यानी बहुत, यानी हम लोग सोच भी नहीं सकते, तब से ये आ रहा है और इसमें हर चीज लिखी गई हुई है। आप अपने ये जो साइंटिस्ट, ये लोग वो लोग जो लिखते हैं, ये लोग क्या है, ये दूसरे संप्रदाय को भी नहीं मानते ये लोग। यानी जैसे अभी बाइबल में कहीं लिखा होगा कि यानी आदमी का जो परिवर्तन हुआ है वो बंदर से आदमी बना है, तो वो लोग वही कॉपी करके। इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में मुसलमानों ने 800 वर्ष राज्य किया, बाद में अंग्रेजों ने आकर सब किया, तो वो लोगों का मेन टारगेट क्या था, बस एक ही टारगेट था कि यानी यहाँ की संस्कृति को खराब करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था उनको, यानी अलग अलग यानी मिसकंसेप्शंस, यानी अलग अलग धारणाओं को फैलाना था। तो इसलिए उन लोगों ने जो मन में है इसको लिखा और पूरा यानी सोसाइटी को बिगाड़ कर रख दिया। इसलिए तो इस्कॉन में हम लोगों को आजकल, हम लोग जब कॉलेज प्रीचिंग में जाते हैं, बच्चों का समर कैंप करते हैं, तो हम लोग को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, पूछो मत। क्योंकि मानव का यानी जीव का स्वरूप क्या है, जीवेर नित्य दास, यानी भगवान अपना स्वरूप ही वो है कि यानी हम लोग भगवान की सेवा करें। अब हम लोग जब बच्चों को बताते हैं कि यानी माता पिता के पैर क्यों पड़ना चाहिए, भोग लगाकर क्यों खाना चाहिए, भोग कैसे लगाना चाहिए, तुलसी की कैसे पूजा करनी है,
ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को डेली लाइफ में मिलती हैं, लेकिन जब लोगों को मालूम चलता है, जब बच्चे जाकर घर में फॉलो करना चालू करते हैं, तो ट्रेमेंडस इम्पैक्ट होता है। एकदम लोग आके हमारे पैरों में गिरना चालू कर जाते हैं कि यानी हम लोग जो जिंदगी में 10 साल में नहीं सिखाया, आप लोगों ने 8 दिन में सिखाया, इतना इम्पैक्ट और इतना रिस्पॉन्स मिलता है। तो हम लोगों का इस्कॉन का टारगेट क्या है? सनातन धर्म भगवत गीता जो भगवान ने मैनुअल दिया है शरीर के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन, सिंपल सा छोटी सी में उसका इम्प्लीमेंटेशन। अब हर एक को बस एक ही बात है, बस इसको फॉलो करो एंड बी हैप्पी, बस दूसरा कोई काम ही नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, आपका नंबर एक बार और एक बार बताइएगा ना प्रभु। 9898490805 79। मेरा नाम धीरज अग्रवाल है, तो आई स्टे इन हैदराबाद। तो आप लोग कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, तो आपके जो भी प्रश्न है हम लोग उनको करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हमें गुरु गोपाल दास जी से मिलना है और उनको गुरु बनाना हो तो कैसे बनाएं? बिकॉज ऑफ काफी टाइम से उनको फॉलो करती हूँ, प्लीज जस्ट गाइड मी। गौर गोपाल प्रभु बॉम्बे में रहते हैं और उनके जो गुरु महाराज हैं वो हिज होलीनेस राधानाथ महाराज हैं। और आपको यानी स्पेसिफिकली बताया जाए तो गौर गोपाल प्रभु इज नॉट एन इनिशिएटिंग गुरु, अभी वो अभी ब्रह्मचार्य हैं, वो अभी उनका प्रोसेस है ब्रह्मचार्य में, इस्कॉन में हर चीज का, जैसा भगवद गीता में भागवतम में बताया गया है, शास्त्रों में वेदों में वो फॉलो एकदम स्ट्रिक्टली करता है इस्कॉन। और इस्कॉन में क्या होता है, यानी ब्रह्मचार्य से जब इंसान जब ब्रह्मचार्य से संन्यास लेते हैं कोई, और संन्यास में भी एक लेवल आने के बाद ही कैन इनिशिएट पीपुल एंड टेक डिसाइपल्स। कोई भी आकर, यानी हम लोग जो देखते हैं आजकल लाइन में खड़े होकर दीक्षा ले रहे हैं, इस्कॉन में वैसा नहीं होता है। इस्कॉन में प्रोसेस है और उसको कंपल्सरी फॉलो करना पड़ता है। क्वेश्चन फ्रॉम कृष्ण पुरोहित, प्रभु जी इस जीवन का मतलब क्या है, आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है? प्लीज अनम्यूट कृष्ण पुरोहित। ओके प्रभु जी, इस प्रश्न का जवाब आपको स्वयं ढूंढना है कि यानी इस जीवन का मतलब क्या है, आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है, तब आप को मालूम चलेगा कि भगवत गीता का इंपॉर्टेंस क्या है। लॉ ऑफ कर्मा बोल के एक चीज होती है प्रभु जी, आप जब अपने आप को सेल्फ यानी आपके खुद के लिए 10 मिनट टाइम देके सोचोगे ना, तो आपको पूरा भगवान, आप भगवान से प्रे करिए कि मेरे इन सब प्रश्नों का उत्तर मिले, और पढ़ना चालू करिए, आपको सब प्रश्न मिल जाएंगे। और आप अगर, क्योंकि दैट इटसेल्फ विल टेक लॉट ऑफ टाइम, यानी हम लोग बाद में इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। वाई कृष्णा वॉश सुदामा फेट विथ हिज टीयर्स, कृष्णा इज अ लॉर्ड। वही गौरी शंकर प्रभु, वंडरफुल क्वेश्चन, वाई कृष्णा वॉश सुदामा फीट विथ हिज टीयर्स, कृष्णा इज अ लॉर्ड। भगवान का आदान प्रदान। अब जैसे भगवान भगवदगीता में अपन अभी जब देखते हैं कि यानी भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारथी बने हुए हैं, तो भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप जब भागवतम पढ़ोगे तो भगवान के इतने आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे जहां पर भगवान अपना षड ऐश्वर्य को छोड़कर, यानी एकदम सब कुछ छोड़कर भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। तो इसलिए तो उनके इतने नाम पड़े, भगवान के इतने सारे नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ो तो आपको मालूम चलेगा कि हर नाम के बारे में हम लोग 2 घंटे डिस्कस कर सकते हैं।
और किसी का कोई प्रश्न? कृष्ण पर कर्म का फल क्यों नहीं पड़ता? अभी आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में देखा होगा कि यानी कृष्ण खुद डिक्लेयर करते हैं कि मैं अजन्मा हूं और मैं दिव्य हूं, मेरा मैं इस भौतिक यानी तीन गुणों से मैं परा हूं, इसलिए मेरे पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। भगवान यानी अपनी स्वतंत्र इच्छा से यहाँ पे आते हैं और स्वतंत्र इच्छा से जाते हैं, भक्तों के बुलाने पर आते हैं और भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। प्रभु जी मैं 8 साल से इस बारे में सोच रहा हूं कि हमने इस मृत्यु लोक में जन्म क्यों लिया। इस मृत्यु जन्म में हम लोगों ने जन्म इसलिए लिया प्रभु जी क्योंकि हम लोगों को भोगने की इच्छा थी। हम लोग भगवान से बैर कर वापस यहाँ पर आए हैं और इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जन्म लेना पड़ा। और हम लोग ये जो हमारे जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और तीन तरह के क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, यानी सफरिंग तीन तरह की होती है। यानी एक भगवान के द्वारा दी गई हुई, जैसे कि यानी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, एक दूसरों से दी गई हुई जैसे कि यानी कोरोना हो गया, मच्छर काट लिए और कोई जाते जाते एक्सीडेंट कर दिया, या एक अपने खुद के द्वारा यानी अंदर बीपी हो गया, शुगर हो गया। ये सब में हम लोग खुद यानी अपनी स्वतंत्र इच्छा से आए हैं। और एक बार यहाँ पे हम लोग जो 3 मोड्स ऑफ मेटीरियल नेचर है उसमें एक बार आने के बाद अब फिर उसका कॉम्बिनेशन चलता ही रहता है। क्या इस लोक से मुक्ति कैसे मिल सकती है? इस लोक से मुक्ति इस कलयुग में केवल नाम के द्वारा ही मिल सकती है। आपको नाम जप करना है और गुरु को आपको एक्सेप्ट करना है और भगवान को समर्पित करना है। और भगवान भगवद गीता में हर चीज का सॉल्यूशन बताते हैं कि जैसे आपका लास्ट मूवमेंट जो होता है, अभी जैसे भक्ति का मीन्स एंड एंड्स क्या होता है, यानी जैसे अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, बाद में भी भक्ति करेंगे, तो अब हमारे ऊपर रहता है कि हम लोग कितना टाइम देते हैं भगवान को और कितना हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भगवान जैसे बताते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा होगा, अभी 4 चैप्टर में आप लोगों को ऑलरेडी कवर हो चुका होगा कि हम लोगों ने जितना पढ़ा यानी जितनी भक्ति की 30% की, तो हमारी नेक्स्ट जन्म में 30% से चालू होगी, 80 की तो 80 से चालू होगी। हम लोग जितनी ज्यादा करेंगे भगवान उस तरह की फैसिलिटी देगा, आपको उन्नत परिवार देगा, ब्राह्मण के परिवार में देगा जहाँ पे आपको अध्ययन का समय मिलेगा, ऐसे यानी दैट डिपेंड्स आपको, यानी आपके ऊपर है वो। अगर आप सोचोगे कि मेरे को भोग करना है, भोग करने की खाली दिमाग में वही है, घूमते घूमते आप मर गए समझो, तो आपको वैसा मिलेगा। किसी को काम की वासना होती है तो वो वही सोचते सोचते अगर मर गया तो वो फिर कोई पशु पक्षी ऐसा बनता है कि वो जो 1000 times सेक्स कर सकता है, तो उसको वैसा जन्म मिलता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस। भगवान हर चीज की स्वतंत्रता अपने को दिया हुआ है। हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका रिजल्ट भी अपने को ही लेना है। लॉर्ड कृष्ण और रामा वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन? प्रभु जी लॉर्ड कृष्ण और रामा वेजिटेरियन ही थे। एक चीज को हम लोगों को समझना है कि यानी जब हम लोगों को कुछ भगवान बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी जैसे भगवान सुप्रीम क्यों है, पहले हम लोगों को वो समझना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही आता है ना कि भगवान सुप्रीम क्यों है, भगवान को हम लोग भगवान क्यों बोल रहे हैं। तब हम जब हमारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा तो हमारे जो प्रश्न आ रहे हैं वो आधे डाउट तो वहीं क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जब ये समझेंगे कि जो सुप्रीम बोल रहा है, बॉस ये बोल रहा है, तो इसको मानना चाहिए, तो वहीं पे हमारे डाउट आधे क्लियर हो जाते हैं। इट्स 2 घंटे की क्लास हो गई यार, सॉरी, वेरी 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 मच सॉरी। और आपका कोई प्रश्न हो तो हमको पर्सनली हम लोग चैट करेंगे। अभी का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कोई हमसे अपराध हो गया हो तो हमको क्षमा करना, एंड हम लोग यहीं पे सेशन एंड करेंगे। कल आप लोगों का नेक्स्ट सेशन होगा 5वें अध्याय का, एंड आप लोग भक्ति करिए, इस पुरुषोत्तम मास का पूरा लाभ उठाइए और अच्छे से भक्ति करिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।